हेलो एवरीवन, दिस इज जेजी जॉन राइट फ्रॉम बाकू अज़रबैजान। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये फ्लेम टावर्स एट द बैक मेरे पीछे, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। और इस टूर में मैं अपनी सारी डिटेल्स शेयर करने लगा हूँ। सो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जैसे कि आप सब ने हमेशा मेरे YouTube चैनल पे म्यूज़िक से रिलेटेड कंटेंट देखा है, तो इस बार मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करें। बाकू जाने का प्लान बना तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। ये हम कुवैत एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये कुछ मनाजिर कुवैत एयरपोर्ट के अंदर के। अभी इस वक्त हम बस में बैठे हैं और हम जहाज़ में पहुंच चुके हैं और जहाज़ अब रनवे पे है, टेक ऑफ के लिए रेडी है। और ये टेक ऑफ हो चुका। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू आप ऊपर से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 hours में हम कुवैत से बाकू पहुंच जाएंगे। और कुवैत से बाकू जाने के लिए जो रिटर्न टिकट्स का एक्सपेंस हुआ वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूं। और याद रहे कि ये प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं। कोई भी प्राइस जो यहाँ मेंशन है किसी भी करेंसी में वो फिक्स नहीं है। ये हम अज़रबैजान के ऊपर आ चुके हैं, बाकू शहर में लैंड होने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं बाकू सिटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत दिलकश नज़ारे, क्योंकि बारिश भी साथ हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड नाउ इट्स लैंडिंग टाइम। सो अब हम हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं। नाउ वी आर पासिंग थ्रू द गेट सो वी कैन गेट आवर लगेज। ये देखिए बाकू एयरपोर्ट। बहुत खूबसूरत, चमकता धमकता। और ये मैं आप सबके सामने अपने वीडियो पहले भाई। और अभी हम यहाँ से अपना लगेज लेंगे और ये चंद कदम बाकू की सरजमीन पे। और मैं अपनी फीलिंग्स आपको शायद बयान ना कर सकूं। जो ठंड थी वहाँ और जो एटमॉस्फेयर था, इट वॉज़ टू गुड, आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। वो फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमारी गाड़ी आ चुकी है जो हमने बोल्ट ऐप के थ्रू बुक करवाई थी। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में करीम और ऊबर लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह अज़रबैजान बाकू में बोल्ट ऐप यूज़ होती है। सो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है निज़ामी स्ट्रीट की तरफ। और एक बात आपको बताता चलूं कि एयरपोर्ट से लगेज लेने के बाद सबसे पहले हमने एक सिम ली ताकि हम इंटरनेट यूज़ कर सकें बाकू में। बाकू में आज़र सेल के नाम से और बाक सेल के नाम से दो सेलुलर कंपनीज अवेलेबल थी, उसमें से आज़र सेल हमने सेलेक्ट की। और उसका जो पैकेज था 50 GB वाला, वो हमने परचेज़ किया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसकी प्राइस वगैरह सब आपके सामने मेंशन है।
जी व्यूअर्स, अब हम होटल पहुंच चुके हैं और ये हमारा रूम। एक्चुअली इट वाज नॉट अ होटल, इट वाज जस्ट अ बुटीक। और 7 डेज के स्टे में जो एक्सपेंस हुआ इस होटल में, विच इंक्लूड्स डेली ब्रेकफास्ट, वाईफाई फैसिलिटी एंड इलेक्ट्रिक केटल विद 2 टी कप्स, इट वाज ऑलमोस्ट 420 मनात, जिसकी डिटेल्स नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपकमिंग जो एपिसोड्स हैं बाकू टूर से रिलेटेड वो जल्द आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।